वेलकम टू माय चैनल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीका का फरमाइश कंटिन्यू आप लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक एक दिन में 4 से 5 वीडियो ही बनाऊँ फिर भी फरमाइश बाकी रह जाएंगे। उसके उपाय अभी आप लोग को मिलने वाले हैं। कुछ VIP पास आप लोग को मिलने वाले हैं, जिनको मर्जी होगा वो VIP पास अपना सकते हैं। बहुत जल्दी YouTube मुझे ये सुविधा देने वाली है कि आपके कुछ VIP ऐसे ऑडियंस जो होंगे, जो व्यूवर्स होंगे, वो चाहें तो इस पास का लाभ ले सकते हैं, VIP कैटेगरी में जा सकते हैं। उसमें मैंने जो टर्म एंड कंडीशन था उस मुताबिक मैंने उसमें कह दिया है कि जो VIP पास धारण कर लेंगे, जो VIP पास ले लेंगे, उनके कमेंट का फर्दर जवाब दिया जाएगा। चाहे वो लेशन बनाने की बात हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो मैसेज बहुत जल्दी आप लोग को मिलेगा। गुलाम अली साहब की गज़ल, वही पलकों का झपकना वही जादू तेरे। मेरे लाइफ में अगर सुरीले गज़लों की बात करें तो ये गज़ल का बहुत प्रभाव है। रात रात भर सुनता रहता हूँ इस गज़ल को, कभी अगर मूड में आ गया। अभी फरमाइश देखा मैंने, पुरानी बात याद आ गई। देखना है बढ़िया से थोड़ा सा, ताकि कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता इफेक्ट के साथ आप भी गा सकें। क्योंकि इस तरीका की गज़ल है कि आदमी बस सुनते जाए, और संगीत समझने वाले लोगों के लिए तो ये सब संजीवनी है, माइंड टॉनिक है ये सब चीज़। सबसे पहले स्केल देखेंगे, फिर उसके मुख्य नोट देखेंगे। कहरबा में है तो वो भी मैं बताऊंगा, कोडिंग भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। जो ओरिजिनल में आप लोगों ने सुना है वो F# स्केल से गाया गया है, जो अभी सुन रहे थे आप। तो F# का मतलब ये जो कोडिंग आपने देख रहा है, ये बेस कोड बन रहा है इस गज़ल का। ये जो नोट देख रहे हैं आप, इसको सा बनाया गया है, जो अपने लोगों का, जो मुख्य रूप से जो जनरल लोगों का सा होता है, ये C#, D#, ये सारे का ग को सा बना के ये कोड बन रहा है। ये दो कोड का बहुत प्रयोग है, ध्यान रखिएगा। मैं कोडिंग पे चर्चा करूंगा आगे, देखते रहिएगा। ये सा और भैरव थाट के इर्द गिर्द है, उसका इफेक्ट है इस गज़ल में। बाकी बहुत सारे स्वर ऐसे भी लगे हैं, देखिएगा। भैरवी का भी इफेक्ट है, कोमलनी का भी प्रयोग हुआ है, तो वो देखिएगा। सा रे ग म प ध नी सा, और कोमलनी का भी उतना ही अधिक बार प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखिए। ग रे सा करना ये चाहिए किसी भी गीत गजल को गाने से पहले, कि थोड़ा सा फिंगरिंग वगैरह हो जाए। जो नोट मिले हैं वहां ऐसे भी चला लेंगे, जो नोट मैंने बताए हैं। रे सा ध प ग म ग रे सा, रे रे सा नि सा ध प ध प म प द रे सा, सा रे ग रे सा रे ग म ग ग म प ग म रे सा नि सा रे सा। और जब इतना कर लेते हैं उसके बाद जब गजल शुरू करते हैं, नोट के साथ मैं दिखाता हूँ, ये कहरबा का बीट में चल रहा है। धागे नती नक धीन, ओके। एक एक नोट को अच्छा से देखिए, ढंग से समझ में आएगा। यहां से शुरू है सारे ग ग से। वही पलकों का, ये लौटते समय लगा भी सकते हैं, नहीं लगाने से डायरेक्ट भी आ सकते हैं। नोट क्या बन रहा है, सिंपल नोट अगर देखते हैं तो ये बन रहा है गम सा ध सा सा, वही पलकों का। ये सिंपल नोट बना, एफेक्टेड में वही पल 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 सानी ध सानी ध पल वही पलकों का, ओके। गम सा ध सा सा गम सा ग, उसके बाद अगर सेकंड लेते हैं तो गम सा नि ध सा सा वही पलकों का। झपकना का इफेक्ट बहुत लाजवाब का है, दो तरीका से है। एक तो यहीं से झपकना लिया गया है, मौ के पास से, और दोबारा में जब देखेंगे तो आगे से लिया गया है ध के पास से। तो दोनों, एक तो मौ नोट से झपकना का झ लिया गया है,
और दूसरा ऊपर से कोमल धौ के ऊपर से झपकना लिया गया, दोनों अलग अलग इफेक्ट है। वहीं कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको नहीं गाइएगा ढंग से तो इफेक्ट नहीं आएगा। झपकना का देख लीजिए, नोट अगर निकालते हैं, बहुत सारे लोग फरमाइश कहते रहते हैं कि सर कम से कम नोट बोल दिया करिए तो निकल जाएगा, तो ये झपकना का जो नोट है ये है मगम सानी, मगम सानी झपकना, मगम सानी झपकना। और उसके बाद वही जादू तेरे, उसका देख लीजिए, वही वही। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा नोट लग रहा है, ये शुद्ध रेखा भी पड़ी हुई है वही, और यहाँ पे ये नी लेके, कोमल नी लेके शुद्ध रे में जा रहे हैं, वही नीरे वही जादू, वही जादू का अलग अलग इफेक्ट है। अभी सिंपल देखिए, वही जादू नीरे, और यहाँ पे क्या है कोमल का, वही जादू नीरे गप मग सा, वही जादू नीरे गप मग सा, वही जादू। जादू का और भी इफेक्ट है, वही जादू वही जादू, ऐसे वही जादू वही जादू तेरे। पूरा सीखे अभी, पूरा अस्थाई जो लाइन सीखे उसको पूरा बताऊंगा, अस्थाई का और भी लाइन है वो देख लीजिए, सारे अंदाज चुरा लाए हैं खुशबू तेरे, वो कहां से है, पूरा सुर चेंज हो जाता है सारे अंदाज में देख लीजिएगा, सारे अन कौन कौन नोट लगा, सारे में सारे ही लग रहा है, सारे माधा मापा, सारे मापा वही, सारे अन दाज दाज, यहां से धाम रे सा, सारे अंदाज ओके चुरा लाए, यहां से नोट क्या है रे मा गगा चुरा लाए, कोड बनेगा है लाए हैं भी यहीं, चुरा लाए हैं खुशबू, है खुशबू तेरे का देख लीजिए, जब लौटता है तेरे ते ते पम ध प, पहला ते का जो इफेक्ट है ते तेरे तेरे पम ध प पम ध प प, उसके बाद पम ध प प ग सा तेरे तेरे पम ध प पम ध प म ग सा नी ध म सा तेरे। अब पूरा जितना सीखें उतना एक बार और देख लीजिए, वही पलकों का इफेक्ट के तरीका से, वही पलकों का झपकना, वही जादू तेरे, सारे झपकना का यहां से लेते हैं तो वही पलकों का झपकना, झपक ध उसके बाद ग धगम सा
धगम झपकना धगम सानी झपकना वही जादू जादू तेरे। जादू के टाइम में जब ये लेते हैं ना तो ये मत लीजिएगा, जादू तेरे सारे अंदाज चुरा, ये सब तो गला का काम है कर लीजिएगा, चुरा लाए खुशबू तेरे। ओके, अंतरा देख लीजिए, आराम से गाइएगा। स्केल नोट में ढूंढ के मेलोडी के साथ कुछ म्यूजिक प्ले कर सकते हैं जितना नोट मैंने बताया है। अंतरा है, तुझसे मैं जिस्म, नोट खोज लीजिएगा, ये प है ये ध है, प ध ग म ग रे है, शुद्ध रे आ जाएगा यहाँ से, प प ध ग म रे तुझसे मैं जिस्म चुराता, दोनों रे लेके सामने आना है, तुझसे मैं जिस्म चुरा चुरा, कौन नोट लगा, ये है शुद्ध रे, रे रे पम रे पम रे रे सा चुराता, फिर धो में आ गए, थम गर इल्म ना था। और उसके बाद तुझसे मैं जिस्म का एक और लाजवाब का इफेक्ट है वो देख लीजिए, हर एक स्टंजा में मिलेगा, तुझसे मैं जिस्म तुझसे मैं तुझसे मैं जिस्म, यहाँ लिखे, तुझसे मैं जिस्म चुराता धमक इल्म न था। फिर अस्थाई में आ जाइएगा, मेरे साए से लिपट जाएंगे बाजू तेरे वही पलकों का झपकना वही जादू। चलिए, उम्मीद है अच्छा लगेगा, और कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना।